बदलाव हो रहा है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, अभी हम 86 सीट पर लीड कर रहे हैं इंडिविजुअली। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, मैं हूं आपके साथ खुशबू सांगवी। बिहार विधानसभा चुनाव का मतगणना जारी है, जो रुझाने हैं वो स्पष्ट तौर पर एनडीए की तरफ इशारा कर रही है। जो रुझाने हैं वो साफ तौर पर बता रहा है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बननी लगभग तय है। वहीं अगर चुनाव आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट है वहां भी ये स्पष्ट दिखाया जा रहा है कि बिहार में जो है एक बार फिर से एनडीए की सरकार बननी तय है। हालांकि अभी हमें ऑफिशियल रिजल्ट का इंतजार करना होगा, हमें शाम तक नतीजों का इंतजार करना होगा। लेकिन इस बीच जो राजद नेता हैं, राज्यसभा सांसद मनोज झा, उन्होंने प्रतिक्रिया दिया है। उन्होंने लालू राबड़ी आवास के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि जो टीवी चैनल्स हैं वो लेट रिएक्शन दिखा रहे हैं, हमारी जो आरजेडी है वो अकेले ही 80 सीटों पर लीड कर रही है और महागठबंधन जो है वो 124 सीट पर लीड कर रही है। तो विशेष क्या कुछ कहा है आरजेडी के सांसद मनोज झा, आप खुद सुनिए। बदलाव हो रहा है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं और ये स्पष्ट तौर पे कहता हूँ, क्योंकि आपके कुछ टेलीविजन चैनल में रियल टाइम डेटा नहीं आ रहा। अभी हम 86 सीट पर लीड कर रहे हैं इंडिविजुअली, लेकिन वहाँ आ रहा है 66। हम सीधे अपने वार्ड रूम से जहाँ वहाँ बात कर रहे हैं। आप सबने सुना होगा कि चुनाव आयोग ने कहा कि मात्र 80 लाख वोट की काउंटिंग हुई है, 4 करोड़ वोट की, 4.25 करोड़ वोट की काउंटिंग होनी थी, कितनी बची हुई है, गैप नैरो हो रहा है। कम से कम 70 ऐसी सीटें हैं जहाँ माइक की जगह लेना, हेलो, और आपको आपको यकीन के साथ कहते हैं वो दोस्त चंद घंटों बाद आपसे मिलेंगे, ये कहते हुए कि हमने जो कहा था वो कर दिखाया। सिर्फ इतना आग्रह है कि कई लोग इसमें मनोवैज्ञानिक गेम खेलने की कोशिश करेंगे, हमारे तमाम कार्यकर्ताओं, हमारे उम्मीदवारों से आग्रह है आपके माध्यम से, जीत का सर्टिफिकेट लेके ही निकलिए, हाथ में जीत का सर्टिफिकेट, क्योंकि आप सब जान रहे हैं कि इस बार काउंटिंग क्यों स्लो हो रही है, उसके पीछे कारण है। इसलिए रियल टाइम डेटा आपका अटका पड़ा रहता है बहुत देर तक की जगह, लेकिन हम लोग तो इलेक्शन कमीशन के अलावा अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी महागठबंधन के सहयोगियों की सभी बात कर रहे हैं और आपको यकीन दिला रहे हैं कि ओपिनियन पोल को एग्जिट पोल ने खत्म कर दिया। एग्जिट पोल के बाद आप देखेंगे नतीजे वही होंगे। एक अन्य मार्ग जो ठीक मेरे सामने है, वहाँ बदलाव सुनिश्चित है, चंद घंटों का इंतजार करिए और ये मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आप परिवर्तन देखें। आपके आंकड़ों के